वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ डीएवी स्कूल की मैथ की बुक है उसके हम मैथ का सॉल्यूशन करेंगे यूनिट नंबर थर्ड। ये फर्स्ट पेज है क्लास फिफ्थ की, 2021-22 का सेशन है। इसमें आज हम यूनिट थर्ड है जिसका नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मल्टीपल्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर हमें मल्टीपल्स ही नहीं पता होएगा तो हम इस चैप्टर को कैसे करेंगे, इसका बेसिक क्लियर करते हैं। हमारे पास यहाँ एक टेबल दी हुई है जिसको मैं पढ़ना बताती हूँ आपको। 1 × 2 = 2 है, इसका मतलब क्या है, 1 × 2 क्या होगा हमारे पास, 2। 1 × 2 हम कितना प्राप्त करते हैं, 2। 2 × 2 = 4, इसका मतलब है 2 × 2 कितना होगा, 4। 3 × 2 = 6, 3 × 2 हमारे पास क्या मिलेगा, 6। सिमिलरली 4 × 2 = 8, 4 × 2 हमें मिलेगा 8। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम ये सारा देखते हैं। तो हमें ये करने से क्या आया है, 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें जो ये चीज़ें मिली हैं 2, 4, 6, 8, 10 एक्स्ट्रा, ये हमारे लिए क्या कहलाते हैं, मल्टीपल्स। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, ये मल्टीपल्स किसके होंगे, 2 के, क्योंकि इसका फर्स्ट मल्टीपल क्या है, 2 है। तो हमें ये क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 2 है। ठीक है, सिमिलरली हम 3 के मल्टीपल निकाल सकते हैं, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, जिसके भी निकालना चाहे हम इसी तरह से मल्टीपल। तो सीधे से तरीके से मैं बताना चाहूँ आपको मल्टीपल्स क्या होता है, उसका टेबल। ठीक है, और जो 1 पे आता है वो उसका फर्स्ट मल्टीपल, 2 पे आता है उसका सेकंड मल्टीपल, 3 पे आता है 3। और यहाँ हमें एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखाया हुआ है, थोड़ा हम नीचे चलेंगे बुक्स में तो ये करके दिखाया हुआ है। मल्टीपल जो ऑफ 4 क्या है, इसका फर्स्ट मल्टीपल क्या है, 4। सेकंड हमसे पूछा जाए मल्टीपल तो क्या है, 8। थर्ड मल्टीपल क्या है, 12। इसी तरह हमसे 10th मल्टीपल पूछे तो 14। ठीक है, सिमिलरली 6 के मल्टीपल हमें बताए हुए हैं, यानी कि मल्टीपल क्या होगा, उसका टेबल ही होगा 9 के मल्टीपल। आगे हम इसकी वर्कशीट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट वर्कशीट 1 है और ये पेज नंबर 24 है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फर्स्ट नंबर इन ईच केस। यहाँ हमें ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट नंबर, हर एक क्वेश्चन का जो फर्स्ट नंबर है उसके मल्टीपल्स निकालने हैं। कितने निकालने हैं, नेक्स्ट 4, अगले 4 मल्टीपल्स निकालने हैं। ठीक है, हम इसका क्वेश्चन 1 लेते हैं जो हमें क्या दिया हुआ है, 5, फिर 10, 15, उसके बाद हमें डैश 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 दे रखे हैं, अगले 4 मल्टीपल्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ये चीज़ ध्यान देनी है कि मल्टीपल्स क्या होता है, उसका टेबल होता है, और फर्स्ट नंबर का मल्टीपल निकालना है। तो हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35। ठीक है, तो ये हमारे 1, 2, 3, 4 मल्टीपल्स मिल गए हैं। इसके बी पार्ट पे चलते हैं, 7, 14, 21। अब इसके आगे मल्टीपल चाहिए, जितने भी चाहिए हम उसका टेबल पढ़ेंगे, और ये ध्यान रखना है हमें फर्स्ट नंबर का ही मल्टीपल चाहिए, ना कि सेकंड का। तो क्या आ जाएगा, 28, 35, 42, 49। इसके लिए बच्चों आपको टेबल आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये सम कर पाओगे। ठीक है, अगला इसका सी पार्ट है, 10, 20, 30, उसके बाद मुझे लग रहा है सबको समझ आ गया होगा, हम इसका टेबल पढ़ेंगे, 40, 50, 60, 70। डी पार्ट है, 15, 30, 45 के बाद क्या आएगा, 60। 15 का टेबल पढ़ रहे हैं हम, 75, 90, 105।
ई पार्ट पे चलते हैं, 12, 24, 36, फिर उसके बाद आएगा 48, 60, 72, 84। इस तरह से हमारा फर्स्ट का ए बी सी डी ई सारे पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। और इसमें हमें बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है, मल्टीपल पूछेंगे तो हमें उसका टेबल बनाना है, और जोन से नंबर का पूछा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो वो हमने उससे का टेबल वहाँ तक पढ़ना है और वो तुम्हारा आंसर होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग। हमें इसका ए पार्ट है लिखा हुआ है फोर्थ मल्टीपल। फोर्थ मतलब चौथे नंबर पे, चार नंबर पे जो आएगा। मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि किसका टेबल पढ़ना है, 5 का टेबल पढ़ना है, और कितने तक पढ़ना है, 4 तक पढ़ना है। तो 5 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 20। क्या आएगा, 20। तो 20 हमारा आंसर हो गया। इसका बी पार्ट समझो, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 3। किसका मल्टीपल है, 3 का, फिफ्थ नंबर पे। तो 3 का टेबल हम क्या करेंगे, फिफ्थ तक पढ़ेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 15। 3, 5 जा 15, ठीक है। अगला सी पार्ट है, सेवन्थ मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि 8 का टेबल पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे बच्चों, 7 तक। तो 8 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 56। तो आंसर क्या हो जाएगा, 56। डी पार्ट पे चलते हैं, सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 2। किसका टेबल पढ़ना है, 2 का टेबल पढ़ना है, और कहाँ तक पढ़ना है, 6 तक पढ़ना है। तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, 12। तो सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 2 क्या बन गया, 12। ई पार्ट पे चलते हैं, थर्ड मल्टीपल ऑफ 12। 12 का टेबल पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, 3rd तक, 3 नंबर तक। तो 12 3 जा क्या हो जाएगा, 36। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 6 बिटवीन 20 एंड 40। मल्टीपल ऑफ 6, इससे क्या समझ आ रहा है बच्चों, कि 6 का टेबल पढ़ना है और हमें आंसर क्या चाहिए, मल्टीपल कहाँ के चाहिए, बिटवीन 20 एंड 40। ये एक कंडीशन दे दी है हमें कि 20 से बड़ा और 40 से छोटा, बराबर नहीं कहा है, 20 और 40 के बीच की वो संख्याएं निकालो जो 6 के मल्टीपल हैं, मल्टीपल ऑफ 6। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, 6 का टेबल बनाएंगे। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए पहले ये टेबल बना के रख लिया है, 6 का टेबल 60 तक। अब हमें 20 और 40 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है, 18 छोटा पड़ रहा है, 24 आ रहा है, 36, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 6 बिटवीन 20 एंड 40 में आंसर क्या आ जाएगा हमारा, हम यहाँ लिख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 24, 30, 36। तो आंसर ये हो जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 6 है और ये किसके बीच में, बिटवीन 20 एंड 40। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में क्या है, राइट द मल्टीपल ऑफ 7। सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 चाहिए, यानी कि हम 7 का टेबल पढ़ेंगे विच आर लेस देन 40। ये कंडीशन क्या दे दी, जो 40 से लेस हो। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, 7 का टेबल लिखेंगे। ये मैंने 7 का टेबल लिख लिया है, ठीक है। तो हमें क्या है, मल्टीपल ऑफ 7, 7 का टेबल हो गया, लेस देन 40। 40 से लेस क्या है, ये 42 है। 40 से लेस हमें क्या मिलेगा, ये सारी संख्याएं मिल रही है, तो ये हमारी क्या आंसर हो जाएगी, 7, 14, 21, 28, 35, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसे यहाँ बुक में लिख लेंगे, राइट द मल्टीपल ऑफ 7 विच आर लेस देन 40। तो क्या आ जाएगा हमारा, 7, 14, 21, 28 एंड 35, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ आया आप लोगों को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, एंड सर्कल द मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल ऑफ 11 चाहिए, इसका मतलब क्या है, हम 11 का टेबल लिख लेंगे, उसमें जो जो ये, या फिर हम क्या करेंगे, इसको 11 से डिवाइड करके देख लेंगे, जो जो पूरा डिवाइड हो जाए तो वो हमारा क्या है, आंसर। जैसे 13 है, 11 के टेबल में 13 नहीं आता है तो ये मल्टीपल नहीं है, आगे है 11, 11 के टेबल में 11 आता है तो इसको हम एनसर्कल कर देंगे, गोला लगा देंगे। आगे है 21, 21 11 के टेबल में नहीं होता क्योंकि 11 टू जा 22 होता है। 55 आता है, यस, इसको हम गोला लगा देंगे। 97 नहीं आता, 11 9 जा 99 होता है, ठीक है। 88 ये आता है, इसको हम एनसर्कल कर देंगे। 66 11 के टेबल में आता है, आगे है 10,
तो ये हमारे आंसर हो गए 11, 55, 88, 66. ये क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 11. आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, एनसर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 8. मल्टीपल्स ऑफ 8 चाहिए तो इसका मतलब क्या है, हम 8 का टेबल लिख लेंगे, ठीक है. उसमें जो, या फिर इसको, ये संख्याओं को डिवाइड करके देखेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो क्या है, मल्टीपल्स है. जैसे 32 है, 8 फोर जा 32 आ रहा है इसके टेबल में, तो ये क्या है, इसका मल्टीपल है. 16 आता है बच्चों, हाँ जी, 8 टू जा 16, इसको भी एनसर्कल कर देंगे. 19 नहीं आता क्योंकि 8 थ्री जा 24 हो जाता है और 8 टू जा 16 हो जाता है, तो ये नहीं है. 40 8 के टेबल में आता है, 8 फाइव जा 40. 46 नहीं आता है, 56, 8 सेवन जा 56, 88, 8 इलेवन जा 88, यानी कि ये भी आता है, 8 टेन जा 80. तो इस तरह से हमारी ये पूरी एक्सरसाइज वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट होती है. उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी. धन्यवाद.